वेलकम टू रेशवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन गाइस। एक और पेपर अभी अभी जस्ट आया है, आप देख सकते हैं इसका कोड यहाँ पे 32/1/3 दे रखा है, सेट 3 है। तो गाइस आइए देखते हैं इसके, इसमें भी मैं 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और आप देख उसका करेक्ट आंसर मैच कर सकते हैं। देख सकते हैं पेपर कैसा आया था, बहुत ही अच्छा पेपर आया था गाइस। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आइए इंग्लिश वाला सेक्शन में चलते हैं। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस टेबल का आपको स्टडी करना है और आंसर इसका देना है जो नीचे पूछ रखा है। तो देख सकते हैं स्टेट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और आपको इन्फेंट मोर्टलिटी रेट पर 1000 लीव बर्थ 2016 का है। लिटरेसी दे रखा है रेट परसेंटेज 2011। नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100 परसेंट सेकेंडरी स्टेज दे रखा है, ठीक है। हरियाणा का दिया है, केरला का दिया है, आप देख सकते हैं हरियाणा केरला बिहार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन कंपैरिजन टू केरला विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो यहाँ देख सकते इसके सापेक्ष किसका हाईएस्ट है, बिहार का हाईएस्ट है, तो आंसर करेक्ट है। व्हाई डिड इंडियंस अपोज द साइमन कमीशन। ये पूछ रहा है कि इंडियन ने साइमन कमीशन को क्यों अपोज किया। तो गाइस मैं बता दूं, द कमीशन वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय मेनी इंडियंस, इट इज राइट। इट वाज अपोज्ड बाय नेहरू, गांधी, जिन्ना, द मुस्लिम लीग, बिकॉज जिन्ना नेहरू गांधी के द्वारा भी ये अपोज किया गया, बिकॉज क्योंकि इट कंटेन्स 7 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये कंटेन कर रहा था 7 मेंबर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के, बट नो इंडियंस, जिसमें कोई इंडियंस नहीं थे। इंडियन सा इसको देखें, इट एज अ वायलेशन टू दियर राइट, वो अपने राइट के खिलाफ एक वायलेशन देखे, सो दे अपोज द साइमन कमीशन। ओके गाइस, आई थिंक इट हैज बीन डन। व्हाई वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड इन 1878। इन गाइस मैं बता दूं, इन ब्रिटिश इंडिया द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज इनेक्टेड टू क्रूटेल द फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रेस एंड प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिसीज। मीन्स हमको फ्रीडम, इंडियन प्रेस के फ्रीडम जो था उसको प्रिवेंट कर दिया गया था एक्सप्रेशन को। तो गाइस क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिसीज, नोटेबली द ऑपोजिशन दैट हैड ग्रोन विद द आउटसेट, जो आउटसेट ग्रोन हो गया था उसके सेकेंड एंग्लो अफगान वार के समय क्या किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड किया गया था। और मैं पूछ रहा है गुलामगिरी, वाई वाज गुलामगिरी बुक रिटेन बाई ज्योतिबा फूले, ठीक है गाइस, ज्योतिबा फूले द्वारा क्यों रिटेन किया। तो गाइस एक बात बता मैं कि ज्योतिबा फूले विन सा द पेन एंड पेन सफरिंग हार्डशिप एंड डिफिकल्टीज ऑफ स्लेव्स, अमेरिकन स्लेव, अमेरिकन ब्लैक स्लेव, देन ही डेडिकेटेड अ बुक गुलामगिरी टू दोस ब्लैक स्लेव्स। उन ब्लैक स्लेव्स को क्या की, डेडिकेट की इस बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो गाइस मैं बता दूं कि इट इज क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 में। कौन सा आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कहा गया कि फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म था यही, ठीक है, इसका आंसर सही होगा वही। हाउ इज GDP कैलकुलेटेड, हाउ इज GDP कैलकुलेटेड। गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे, एग्जाम आपके एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट रिलेटेड, आपके सॉल्यूशन कुछ भी होता है सबसे पहले रेशवा एकेडमी लेके आता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि पेपर कैसा गया। इसका हम सेकेंड पार्ट भी बनाएंगे जल्दी, और भी पेपर का हमने डाल रखा है सेट का, जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर मैं बता दूं, GDP कैलकुलेट कैसे करते हैं, GDP देखिए C+I+G+X-M, या ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं कि GDP बराबर क्या होगा, प्राइवेट क
कंजप्शन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये है टोटल जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड और वाला कह रहा है, हाउ इज पब्लिक सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। तो गाइस, पब्लिक सेक्टर आर ऑपरेटेड बाई डायरेक्टली द गवर्नमेंट आर द गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप, गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है या गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप होते हैं उनके द्वारा। सेकेंड कह सकते हैं, द सर्विस चार्जेज आर कंपेरेटिवली अफोर्डेबल। जो इनके प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के जो सर्विस चार्जेज होते हैं वो अफोर्ड करने युक्त होते, देने युक्त, बट प्राइवेट सेक्टर के ऐसे नहीं होते हैं। उसी तरह प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटेड प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इसके जो चार्जेज होते हैं अफोर्डेबल नहीं होते हैं, जिसे मिडिल क्लास पीपल पॉपुलेशन इसे अफोर्ड नहीं कर पाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिंदी वाला दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज पब्लिश्ड बाई राजा राम मोहन राय। तो गाइस, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, संवत कुमारी, ये पब्लिश किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगर आप कोई भी आंसर आप जानते हैं, आपको गलत लग रहा है, चाहे टोटल सर्च किया गया है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको कमेंट को पिन कर देंगे। बिल्कुल आपका हक है, आप कमेंट कर सकते हैं। वेयर हु वेयर कॉल्ड चैपमैन, कौन चैपमैन का, चैपमैन का मतलब गाइस मैं बताया, थोड़ा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में। चैपमैन का मतलब होता है हॉकर, फेरी वाला। ठीक है, तो गाइस अकॉर्डिंग टू मी पेपर सेलर हॉकर होता है। तो आप इसको इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट करके बताइएगा। 7 नंबर का, 8 नंबर मैच करना है तो मैच कर लीजिएगा आप इसको। 9 नंबर पे चलते हैं, सजेस्ट एनी वन वे टू क्रिएट कॉम्युनल हारमोनी अमॉन्ग वेरियस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, और सजेस्ट एनी वन वे टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक, इस क्वेश्चन को हम कराते हैं। तो गाइस, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, एक एक्ट था प्रोवाइड किया गया इन इंडिया में लॉ, अ डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूडिंग नॉट ओनली फिजिकली वायलेंस बट ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस सच एज इमोशनल। जो मैन वुमेन के लिए क्या किया गया, लाया गया, उसमें वायलेंस इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वायलेंस थे, इंक्लूडिंग ओनली केवल फिजिकली ही नहीं, साथ साथ इमोशनली अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए लाया गया था। ठीक है गाइस, तो ये इसका आंसर। आइए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कैगा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लोकेटेड। तो इसका आंसर गाइस कर्नाटका होगा। कर्नाटका में कैगा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट क्या है, लोकेटेड है। तो गाइस, इसका आंसर ये रहा 10 क्वेश्चन का। इसका हम सेकेंड पार्ट जल्दी अपलोड कर देंगे। तो गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं, आप हमारे साथ तब तक बने रहिए, क्योंकि बने रहेंगे तो हर एक चीज़ें नोटिफाई होंगी आपको, बहुत जल्दी मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।